अगर आप एटीएम से पैसे निकाले और आपने जितना अमाउंट डाला है उसका 5 गुना पैसा निकल कर वापस आए, मतलब आप 500 रुपए निकालने की कोशिश करें और 2500 रुपए निकल कर आए और आपको मैसेज भी आए कि 500 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं, तो ऐसे में आपको 4 गुना पैसा फालतू में मिल जाता है। अब जो 4 गुना पैसा फालतू में मिल गया है, ये पैसा आखिर भरेगा कौन? तो चलिए जानते हैं आखिर एटीएम में ऐसी प्रॉब्लम आई ही क्यों। एटीएम मशीन के अंदर अलग अलग तरह की ट्रे बनी होती है, 100 के नोट की अलग, 200 के नोट की अलग और 500 के नोटों की अलग। तो ऐसे में 100 के नोटों की ट्रे में 500 के नोट रखा गए थे, इसलिए लोगों को 5 गुना पैसा मिलने लगा। अब जिसने एटीएम से पैसा निकाला है तो बैंक के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है और इसलिए बैंक ने रिक्वेस्ट की है कि जो फालतू पैसा आपको मिला है उसे वापस कर दें। लेकिन फिर भी कुछ पैसों का तो लॉस हो ही सकता है, और क्योंकि बैंक वाले एटीएम में तो खुद पैसा डालते नहीं है, और इस काम को करती है सीएमएस नाम की एक कंपनी जो कि एटीएम में पैसा लोड करती है, और इसी वजह से जिम्मेदारी तो इनकी बनती है।